आओ पढ़ें पाठ 17 मुकाबला चैलेंज। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था। दरबार के बीचों बीच मंच बना था जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप रहे थे। ऐसे भयंकर शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़कर लाए थे। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके? बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों को सांप सूंघ गया और सबकी जबानों पर ताले पड़ गए। अचानक महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले, जहां पना मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहां पना, महाराजा जसवंत सिंह ने गर्व से बताया। महाराजा की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वह बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर से पिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। शर्त मंजूर है? औरंगजेब ने चुनौती दी। मंजूर है जहां पना, महाराज ने कहा। दूसरे दिन दो शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहुत उतावले हो रहे थे। दरबार में काफी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराजा बेहद शान से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहाँ था? महाराज के साथ केवल उनका किशोर पुत्र था जो देखने में पराक्रमी लग रहा था। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहां पना, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुराकर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर अहाते में घुस गया। सब लोग कलेजा थामकर मुकाबला देख रहे थे। एक ओर भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर। सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराजा जसवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन न तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा थी, न ही उनका पुत्र भयभीत था। शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर एक तेजस्वी किशोर को अपनी ओर बिना भयभीत हुए आते देखकर पीछे हटने लगा। इस पर बादशाह के सिपाहियों ने भालों की नोकों से शेर को उकसाया तो शेर किशोर पर झपटा। किशोर फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने शेर का वार खाली कर दिया। अब की बार किशोर ने बिजली की सी फुर्ती से मयान से तलवार निकाल ली। तभी महाराजा जसवंत सिंह गरजे, सुनो पुत्र, निहत्ते पर तलवार से वार करना राजपूतों का नियम नहीं। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। किशोर तुरंत तलवार दूर फेंक कर निहत्ता ही भयंकर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। शेर जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़कर किशोर पर टूट पड़ा। यह देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। शेर तिलमिलाने लगा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक न चली। यह पकड़ तो फौलादी राजपूत किशोर की थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। उस तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े फाड़ दिए। शेर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। निहत्य सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया था। क्या आप जानते हैं इस वीर किशोर का नाम क्या था? इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। हमारी भारत माँ सचमुच बहुत धन्य है कि यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते रहे हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। अध्यापन संकेत, टीचिंग हिंट्स, बच्चों को भारत में जन्मे ऐसे ही अन्य वीर वीरांगनाओं से परिचित कराएं और उन्हें उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।
शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स भीषण डरावना हॉरिबल कलेजा दिल हार्ट जहाँ पना संसार को शरण देने वाला बादशाह के लिए आदर सूचक संबोधन योर मजेस्टी पराक्रमी वीर ब्रेव तेजस्वी तेज वाला ब्रिलियंट निहत्ता जिसके हाथों में हथियार ना हो आर्मलेस तिलमिलाना बेचैन होना टुवृत इन अग्नि बेबस लाचार असहाय हेल्पलेस फौलादी पकड़ जोर की पकड़ स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रशंसा तारीफ बड़ाई प्रेस गर्व अभिमान प्राइड किशोर 11 से 15 साल तक की उम्र का लड़का टीनेजर सिर्फ पढ़िए और आनंद लीजिए ओनली रीड एंड एंजॉय रेल जल्दी जल्दी आओ सारे आओ हम सब खेले खेल एक दूजे के पीछे अपनी लंबी एक बनाए रेल जो है सबसे मोटा काला वही बनेगा इंजन वाला सबसे आगे जाएगा सबको वही चलाएगा एक दूजे के पीछे लगकर डिब्बे बाकी बन जाएं चले एक सीधी लाइन में झुके नहीं दाएं बाएं सबसे छोटा सबसे पीछे गार्ड बनाया जाएगा हरी चलाने को रुकने को झंडी लाल दिखाएगा जब इंजन वाला सीटी दे सबको पांव बढ़ाना है सबको अपने मुंह से छुक 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 करते जाना है।